अस्सलामुअलैकुम। जैसे मेरी फिज़िकल की क्लासेस मुकम्मल हुई, मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए यूट्यूब पर चला गया। देयर आई फाउंड द चैनल SSB स्मार्ट स्टडी। देन मैंने इनकी क्लासेस ज्वाइन की एंड आई थिंक वो सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि इनकी क्लासेस में आपको वो माइंड सेट जो है समझाया जाता है जो इनिशियल इंटरव्यू के लिए लाजमी होता है। आपने क्रिटिसिज्म करना है कि नहीं करना, आपने कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करना है इंटरव्यू में, वो बताया जाता है। एंड उसके साथ साथ कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं और क्यों पूछी जाती हैं और उनके पूछने का मकसद क्या है, वो भी साथ साथ समझाया जाता है। सिमिलरली उसके बाद इंग्लिश पे एक लंबी डिस्कशन होती है। ठीक है, अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो वो वहाँ पे जो है अपनी इंग्लिश ठीक कर सकता है। एंड मेरी यही सजेशन होगी आपको कि अगर आप इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट साइट जहाँ पे आप आए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर का स्टूडेंट हूँ और मैं इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ अभी लॉन्ग कोर्स 153 के लिए। और मैंने सर का यूट्यूब चैनल देखा था, यूट्यूब चैनल विज़िट किया था, फिर वहाँ से मैंने सर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की व्हाट्सएप पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर काफ़ी अच्छा जो है बच्चों के साथ डील करते हैं, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करवाते हैं, कुछ अच्छे तरीके से ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं हमारे दरमियान। और ऐसे के टॉपिक्स जो सर ने सेंड किए हैं उनको तो वही सेम टॉपिक्स ऐसे के रिपीट हो गए हैं इंटरव्यू के लिए। और फीस भी सर की काफ़ी नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, और प्रॉपर टाइमिंग के साथ पढ़ाते हैं। 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है और 3 3 घंटे भी जारी रहती है, कभी कभी 4 4 घंटे भी। तो मैं सब भाइयों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इनिशियल इंटरव्यू या ISSB की तैयारी करनी है तो सर से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि एक तो बिल्कुल सर बहुत मेहनत से काम करवाते हैं और दूसरा फीस भी बहुत नॉर्मल है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं PMA 142 लॉन्ग कोर्स में इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड था। मैंने सर की यूट्यूब चैनल से वीडियोस देखी और मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। अब मेरी क्लासेस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। क्लासेस 8 से 9 बजे होती हैं और लेक्चर होता है जिसमें हम सारे अपने क्वेश्चंस करते हैं, स्टूडेंट जो भी होते हैं। उसके बाद हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है जिसमें हमारी काफ़ी नॉलेज और कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है और इंग्लिश भी हमारी इम्प्रूव होती है। इसके बाद जो सर टॉपिक ऐसे की देते हैं वो हम चेक करवाते हैं। डेली 2 ऐसे के टॉपिक हमें सर देते हैं। उसके बाद हम अपने मॉक इंटरव्यूज भी सर को देते हैं जिससे हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और पता लगता है कि हमने क्या गलतियां की थी प्रीवियस इंटरव्यूज में। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे आप सबको ये बताना था कि इंटरव्यू की क्लासेस की मुझे बहुत टेंशन है, और उसके बाद मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, उनमें से मुझे सबसे अच्छा ISSB स्मार्ट स्टडी के चैनल लगा, और सर का नंबर दिया था, उसके साथ मैंने रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया। और उस क्लासेस में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि सबसे पहले 8 से 9 बजे तक क्लासेस सर लेक्चर देते, और फिर हर किस्म के क्वेश्चनिंग पूछते हैं, और उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमारा नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस में भी मज़ीद इजाफा होता और इंग्लिश भी इम्प्रूव होती, जो कि टॉपिक दिया होता वो चेक करवाते। और उसके बाद ग्रुप में 2 ऐसे आते थे जो कि लिखने होते थे, और उसके बाद मॉक इंटरव्यू भी होते थे जो कि गलतियाँ कोई उसमें गलतियाँ वगैरह वो चेक करवाते। फिर मेरा ये कहना है कि आप अगर अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, नॉलेज में इजाफा करें, तो ISSB स्मार्ट स्टडीज से ऑनलाइन क्लासेज ज़रूर नहीं, इससे आपका इंशाअल्लाह उम्मीद है आपका इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई होप सब ठीक होंगे। मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, लेकिन अभी 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, तो मैं बहुत अपसेट था। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो उसमें ISSB स्मार्ट स्टडी आ गई, तो मैंने उसे ओपन किया, फिर उससे मुझे व्हाट्सअप नंबर मिला, सर से मैंने कॉन्टेक्ट किया, तो सर ने ऑनलाइन क्लासेस में मुझे ज्वाइन किया, फिर हमने सर की क्लासेस लिए, तो सर बहुत अच्छे क्लासेस लेते हैं, 8 PM से लेकर 9 PM से तक हमें 1 घंटा लेक्चर देते हैं, फिर हमें जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें बताते हैं, फिर उसके बाद सर हमें कॉन्फिडेंस देते कि आपने बैठना सब कुछ सिखा देते सर, उसके बाद हमें सर इंग्लिश टॉपिक्स देते,
आपने 3 राउंड्स करने हैं, तो हम सारे दोस्त 3 3 राउंड्स करते। उसके बाद सर हमें 2 एसेज देते, एक इंग्लिश का होता है एक उर्दू का होता है, तो हम उसको रिटन फॉर्म में लिख के सर को पिक्चर में सेंड कर देते, तो सर उससे जो गलतियाँ होती है वो निकाल देता है और फिर हमें बताते आपने ये गलती नहीं करनी, आपने ये गलती नहीं करनी। तो सर हमें प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं मोस्टली। मैं जब ऐसी वीडियोज़ देखता था कि कोई किसी के बारे में बात कर रहा हो, तो मैंने कहा अपने चैनल को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ अगर आप लोगों ने स्टडी किया तो सर हमें प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं मोस्टली। मैं जब ऐसी वीडियोस देखता था कि कोई किसी के बारे में बात कर रहा हो, तो मैंने कहा अपने चैनल को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ अगर आप लोगों ने स्टडी किया ICSB स्मार्ट स्टडी से, आपने अपना ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए सर के और यूट्यूब के जितने लेक्चर्स है वो सारे देखे, तो मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ कि आप पास होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से हूँ और मैं 153 इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। मैं YouTube पे वीडियोस देख रहा था इंटरव्यू के हवाले से, कि मैंने सर का चैनल देखा ISSB स्मार्ट स्टडी, और फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया, ऑनलाइन क्लासेस ली और अभी भी ऑनलाइन क्लासेस मेरी चल रही है। वहाँ का मेरे क्लासेस का एक्सपीरियंस ये रहा कि क्लासेस 8 से 9 बजे ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें हम हर किस्म के सवाल सर से पूछ सकते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, सर वो हमें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसके बाद फिर सर हमें अलग से टाइम देते हैं जिसमें हम सारे अपने आंसर वगैरह जो भी चीज़ें हम सर को और सेंड करते हैं, जो भी इसमें मिस्टेक वगैरह कुछ भी हो फिर हमें सर अलग से बताते हैं, वो सर ने अलाउ किया कि हम किसी भी टाइम सर को मैसेज कर सकते हैं उस हवाले से। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि जिस किसी ने भी तैयारी करनी है इंटरव्यू की, आप लाजमी सर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, सर ISSB स्मार्ट स्टडी जिनका चैनल है। अस्सलाम वालेकुम, अगर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं इनिशियल इंटरव्यू के लिए रिकमेंडेड हूँ। उसके लिए मैं फिज़िकल क्लासेज ज्वाइन नहीं कर सकता था, तो मैंने यूट्यूब पर चैनल देखा, इंडियन का कॉन्टैक्ट नंबर था, इनको मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया। फिर हमें रोज़ 8 बजे से 9 बजे तक हमारी क्लासेज होती थी, उसमें हम मॉक इंटरव्यूज़ भी देते थे, इनिशियल टेस्ट की तैयारी भी होती थी, हर चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती थी, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा बिल्ड होता था। और ये जो फिज़िकल क्लासेस नहीं ले सकते, ऑनलाइन क्लासेस सर देते थे उनको, और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था तैयारी के लिए। मेरी भी सबसे यही एडवाइस दूंगा सबको कि जो लोग फिज़िकल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस और सर बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, जितनी तारीफ की है उतना ही कम, अल्लाह पाक इनको उनका अजर दें, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जेंटलमैन, मैंने सर का यूट्यूब चैनल देखा था ISSB स्मार्ट स्टडी, उसके बाद ही मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी। ऑनलाइन क्लासेस 8 से 9 बजे तक होती है रात को, जिसमें सर लेक्चर देते हैं और हमारी अगर जो गलतियां होती है वो हमें बताती हैं कि आपकी ये गलतियाँ हैं, अपनी गलतियाँ इम्प्रूव करो। और उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस हम करते हैं, 9 से 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और हमारे आपस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और उसके बाद डेली सर ग्रुप में 2 एसे देते हैं, वो हम एसे सर को फिर चेक कराते हैं, उसमें जो गलतियाँ होती हैं वो सर हमें बताते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए रेडी होता है, उसके लिए सर मॉक इंटरव्यूज़ हमें हमसे लेते हैं और हम वो इंटरव्यूज़ सर को देते हैं। उसके बाद मैं आपको ये सब आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि वर्क हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, मैंने सर का यूट्यूब चैनल देखा था और वहाँ से अंदाज़ा लगाया था कि ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, इसकी वजह से मैंने इंटरव्यू क्लासेज ज्वाइन की। हालांकि बहुत से मुझे और भी ऑप्शन थे, बट आई चूज़ हिम एंड आई लकीली चूज़ हिम। और हमारी 8 से 9 बजे जो क्लास कंडक्ट होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मतलब उसमें हम एक तो हर किस्म के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, सेकेंडली जो मुझे बहुत अच्छा पसंद आया कि वहाँ पर जो स्पीकिंग टॉपिक होता है, जिसमें मुझे मतलब मेरी इंग्लिश इतनी बुरी नहीं है, बट मेरा कॉन्फिडेंस बहुत मतलब बहुत ही लो लेवल का है, क्योंकि मैंने कभी स्कूल में भी कंपटीशन नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत हेल्प मिलती है और मेरी प्रिपरेशन मतलब जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा जा रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जैसा चल रहा है वो बेस्ट है, मतलब इसमें मेरी नज़र में कोई चेंजिंग आने की ज़रूरत नहीं है।